अभी मैंने यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे, क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की? 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिल रही, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं।